दोस्तों, सोशल मीडिया पर उड़ने वाली हर खबर अफवाह नहीं होती है। उन खबरों में कहीं ना कहीं कोई ना कोई सच्चाई जरूर होती है। वो कहते हैं ना कि आग लगी है तो धुआं तो उठेगा ही, और ऐसा ही कुछ धुआं उठा है सानिया मिर्जा की जिंदगी में। साल 2010 में इन्होंने शादी की थी पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक के साथ। वो शोएब मलिक जिसकी पहले से ही एक शादी थी आयशा के साथ, जो उसने नहीं बताया। बाद में वो पत्नी सामने आती है और कहती है कि ये मेरे पहले पति है और मैं इनकी पहली पत्नी हूं, उसके बाद कुछ लेना देना नहीं होता है। अब कहानी यहां पर एक टर्न लेती है कि शोएब मलिक जो है सानिया मिर्जा से शादी तो कर लेते हैं, लेकिन अब शादी के 12-13 साल बाद इनका प्यार जो है सानिया मिर्जा के लिए खत्म हो गया है। अब इन्होंने तीसरी शादी कर ली है एक ऐसी पाकिस्तानी अभिनेत्री के साथ जिसका नाम है सना जावेद, जो अपने मेकअप आर्टिस्ट को जमकर कूटती है, बहुत बदतमीजियां करती है, और खुद भी वो तलाकशुदा है, जिसकी शादी जो है साल 2020 में हुई थी और उनके बीच भी खटर पटर चटर मटर लगी हुई थी, और इसके चलते उसने अपने पति से तलाक ले लिया और शोएब मलिक ने सानिया मिर्जा से तलाक ले लिया है। बीच में जब तलाक की खबरें उठी थी सानिया मिर्जा और शोएब मलिक की, तब दोनों एक साथ आए थे और इन्होंने कहा था कि ऐसा तो कुछ है ही नहीं, ऐसी तो सारी खबरें अफवाह हैं मित्रों। लेकिन फिर क्या हुआ उसके बाद आप देखिए, शादी कर ली, शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शोएब मलिक ने शेयर कर दी है। अब लोग सानिया मिर्जा को कह रहे हैं कि तुम्हें क्या भारतीय मर्दों में कोई कमी दिखाई पड़ी थी जो तुम दुश्मन देश पाकिस्तान चली गई थी? और ये बात तो सच है कि इंडिया में भैया जिस धर्म से हो उस धर्म से भी बहुत सारे क्रिकेटर, भैया जिस धर्म से हो उस देश में बहुत सारे क्रिकेटर हैं, जो मुस्लिम धर्म से आते इस देश में क्रिकेटर हैं, एक्टर हैं, उनसे शादी कर सकती थी, लेकिन इनको जाना था पाकिस्तान, पाकिस्तान गई और इनका वारा न्यारा हो गया। अब क्या, अब बाकी की जिंदगी चौपट। इन्होंने कुछ दिन पहले लिखा था कि शादी करना भी कठिन है, तलाक लेना भी कठिन है, जिंदगी जीना भी कठिन है, सब कुछ आसान नहीं होता, आप कठिन को चुनिए। तमाम इस तरह की बातें लिखकर कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि जिंदगी तो अब तबाह हो ही चुकी है। हालांकि दूसरी शादी करना चाहे अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो जरूर कर लेगा, लेकिन शोएब मलिक ने तीसरी शादी कर ली है और मुझे लगता है कि 2-3 साल के बाद उसको भी तलाक देगा और चौथी शादी कर लेगा, क्योंकि उनके यहां ये सब चलता है।